झारखंड के राजकीय मेला यानी कि मुड़मा जतरा मेले का सोमवार से आगाज हो गया है और इस वक्त न्यूज़ भाईस्कोप की जो टीम है वो उसी मुड़मा जतरा मेले में पहुंची है। सीधे वहां की तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। तस्वीरों को देख करके आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से इस मेले में, इस मुड़मा जतरा मेले में दूर दराज से जो हैं वो लोग पहुंचे हुए हैं और तमाम जो लोग हैं तस्वीरें ले रहे हैं, चाहे स्मार्टफोन में हो या DSLR कैमरा में हो, तमाम तस्वीरों को कैप्चर कर रहे हैं। तमाम इस याद को कहीं ना कहीं समेटना चाहते हैं और ये बताने की कोशिश है कि किस तरह से आज भी झारखंड में जो है इस मुड़मा जतरा मेला का जो क्रेज़ है वो बढ़ा है और सोशल मीडिया आने के बाद ये क्रेज़ और भी ज़्यादा बढ़ा है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी मुख्य स्थल की है जहाँ पर मुख्य पूजा अर्चना होती है और तमाम जो दूर दराज से झारखंड के आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और देखेंगे तस्वीरों में जो लोग हैं बिल्कुल सज धज कर आए हुए हैं और जो झारखंड की परंपरागत जो पहनावा होता है वो यहाँ पर आप देखेंगे। तमाम जो औरतें हों, युवा हों, बुज़ुर्ग हों, इवन के बच्चे हों, वो भी यहाँ पर आप देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से। और तमाम जो लोग हैं आप देखेंगे दूर दराज से पहुँचे हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? बंगाल से। बंगाल कहाँ, नाम बताइए। बंगाल बनार नागरकटा ब्लॉक। अच्छा, कितने लोग आए हैं वहाँ से? 300। अच्छा, 300 लोग आए हैं। हाँ, 300 रहते हैं। हाँ, क्यों? हर साल आते हैं हम लोग के यहाँ, अपना तो धर्म कुड़िया है इसीलिए हम लोग अपना से आते हैं। बंगाल से, झारखंड से बुलाते हैं बंगाल को। अच्छा, इसीलिए 300 की संख्या में आए। हाँ, 300 संख्या में आए हैं। अच्छा, तो मतलब मूल रूप झारखंड के रहने वाले हैं, बसे हुए वहाँ हैं? हाँ, हम लोग बसे हुए हुए हैं। अच्छा, तो हर मेला में आते हैं हम लोग यहाँ। आप भी यहीं से आई हैं? हाँ, वहीं से आई हैं। इस दिन का इंतजार रहता होगा? हाँ हाँ, जन्मदिन हम लोग का इंतजार रहता है। हाँ, यही तो। दीदी वहीं से आई हैं? हाँ। कैसा लग रहा है बताइए, इस बार कैसा तैयार? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? बेटी को भी लेकर आएंगे? हाँ, बेटी को भी लेकर आएंगे। अब शुरू का तो बेटी से होगा नहीं, इसीलिए। आप भी वहीं से आई हैं? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या कुछ अलग है वहाँ, यहाँ पे डिफरेंस नजर आता है? बहुत अलग है। क्या अलग है बताइए जरा सा। यहाँ का रहन सहन सब अलग है। हाँ। और जगह भी अलग है। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। मगर फिर भी अपने आप को कनेक्ट करके रखती हैं आप झारखंड से? हाँ, है ना, जुड़ के रहना चाहती हैं? हाँ, जुड़ के रहते हैं। ये बताइए कि वहाँ रहना और यहाँ रहना क्या मुश्किल है या तकलीफ है, कुछ परेशानी होती है, या वाकई में झारखंड में फिर आना चाहते हैं? वाकई में झारखंड में आना चाहते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। हाँ, इस बार कुछ अलग दिख रहा है कुछ मेले में? हाँ, बहुत अलग दिख रहा है यहाँ पर, बहुत अलग है। मेला भी अलग है। तैयारी कैसी है यहाँ पर, व्यवस्था? बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला है। आप तो काफी साल से आ रही लग रहा है। हाँ, कितने वर्ष से? हम लोग ना उनसे भी 4-5 वर्ष हो गए। हाँ, सब आता है, मगर इस बार में तो ट्रेन में पूरा भीड़ भाड़ था तो इसीलिए हम लोग बच्चा लोग नहीं लाया है। हम लोग मतलब कल भी रहेंगे मेला में? हाँ, कल भी रहेंगे। हाँ, वो माला वाला और साड़ी वाड़ी मिलेगा? ऐसा नहीं मिलेगा, यहाँ अच्छा कंपनी मिल रहा है ना। तो देखिए किस तरह से पश्चिम बंगाल से जो लोग झारखंड से मूव कर चुके हैं वहाँ से लोग यहाँ पर आए हैं इस मेले में और प्रत्येक वर्ष आते हैं, इस साल भी आते हैं। पिछले साल हम लोगों ने दिखाया था कि किस तरह से नेपाल से लोग आए थे और अपनी जड़ों को याद करने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे और देखिए किस तरह से ये तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं उसी जतरा मेले की है और बेहद ही खूबसूरत तस्वीर है और यहाँ पर पूरा जो परंपरागत रीति रिवाज से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है और प्रत्येक वर्ष होती है, इस बार भी होगी और मुख्यमंत्री भी इस मेले के समापन कार्यक्रम में आएंगे और पढ़ा जतरा समिति के द्वारा तमाम लोगों को यहाँ पर निमंत्रण भेजा गया है। और एक बार थोड़ा बाहर की तस्वीरें भी हम दिखा दें किस तरह से, चूँकि मेला जब हम जिक्र कर रहे हैं तो उस मेले का की रौनक भी आपको दिखाना ज़रूरी है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जो शहरों का जो मेला होता है और ये ग्रामीण क्षेत्रों का जो मेला होता है उसमें क्या कुछ बुनियादी फ़र्क हैं। तो देखिएगा, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है और उसके बाद अब वो फ़र्क और वो जो इम्तियाज़ है वो कहीं ना कहीं मिटता हुआ जा रहा है क्योंकि तमाम चीज़ें तमाम लोगों के स्मार्टफोन में उपलब्ध हैं, लिहाजा उसमें अब कोई बहुत दुश्वारी वाली बात होती नहीं है।
बहुत सारे लड़के हमसे मिले, वो बता रहे थे कि हम लोग यहाँ DSLR से फ़ोटो लेते हैं और एट ए टाइम उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो पहले ये सुविधा नहीं थी, लोग कैमरा के लिए तरसते थे और बहुत सारे लोगों पर DSLR कैमरा होता नहीं था, वो मोबाइल में ही लेते थे। लेकिन अब हार्ड कॉपी आप चाहें तो कहीं से भी ले सकते हैं। देखिए बाबू, एक फ़ोटो दिखाइए ज़रा। देखिए, अगर आपको तस्वीर लेनी है तो इस तरह से आपको यहाँ पर फ़ोटो ये लोग लेंगे, और हाथ तुरंत ही तुरंत आपको ये सॉफ्ट कॉपी चाहिए या हार्ड कॉपी चाहिए तुरंत मिल जाएगी। तो इस तरह की व्यवस्था है। और तमाम चीज़ें देखिए जो मैंने बताया, जिसका जिक्र भी किया शुरू में, कि किस तरह से जो झारखंड की पहचान और शनाख्त से जुड़ा विषय है, जो झारखंड का जो परिधान है वो देखिएगा, उसकी जो कई सारी स्टॉल यहाँ पर लगाई गई है, तमाम जो महिलाएँ हैं बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और लगातार ये देखेंगे अनाउंसमेंट हो रहा है किस तरह से सिस्टम को अप टू मार्क रखना है। लगातार जो है लोगों के आने का सिलसिला जारी है, और कहते हैं वक्त जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे लोगों के आने का सिलसिला भी बढ़ता जाएगा। और हम लोगों ने देखा है लास्ट ईयर किस तरह से यहाँ पर आपको पांव रखने के लिए ज़मीन भी नहीं मिलती है, और तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर उपलब्ध हों, खाने पीने की चीज़ें हों, कपड़े हों, जूते चप्पल हों, या फिर झारखंड की जो अपनी पहचान शिनाख से जुड़ी जो परंपरागत हथियार हैं उन चीज़ों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं आपको देखने पर मिलेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि इन दो दिनों में आपको तमाम तस्वीरें आपको दिखाएं, चूँकि आज ये मुड़मा मेले का पहला दिन है, लिहाजा यहाँ के रौनक दिखाना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल मुझे यानी शहनवाज को और हमारे कैमरा सहयोगी विकास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।